लेडीज इंड जेंट वी आर नाउ मूविंग ऑन टू मॉड्यूल वन सिक्सटी सेवन है प्रडक्टर ऑफ सक्सेस प्रडिक्टर और टू प्रडिक्टन वी प्रडिक्ट आप अपने इर्द गिर्द अपने अंदाजे के मुताबिक ज़रा देखिए क्या आप किसी भी चीज़ को या खास तौर पर सक्सेस को प्रडिक्ट कर सकते हैं How can we predict success? Number one, target market recognition okay product or service The reason behind this uh, brand loyalty, why customer prefer the particular product or service? and then question comes in the brand loyalty is gained through the developing a competitive advantage. Now, what is competitive advantage? It is over the price price इट इज ओवर द क्वालिटी इट इज अबाउट द इनोवेशन मेनली आपका कट डाउन कॉम्पिटिशन किस पर होता है प्राइस पर लेकिन प्राइस अगर सेम हो तो फिर किस पे होगा टेस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ले लेते, पेप्सी कोक सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन आप जब ब्रांड लॉयलिटी और ब्रांड अवेयरनेस नहीं थी तो प्राइस लेकिन प्राइस तो एक जैसी है फिर अवेलेबिलिटी क्या है कि सप्लाई चेन के ऊपर एडवांटेज कौन लेगा फिर पीछे से अगर तय हो गया कि छः महीने आपकी आएगी और छह महीने हमारी आएगी तो ये तय करना पड़ेगा रेस्टोरेंट्स में कोक अवेलेबल होगी पेप्सी नहीं होगी ये जो हिडन अरेंजमेंट्स हैं दीज आर डिफरेंट अच्छा अगर आप कहते हैं दे आर द फेयर अरेंजमेंट्स आई डाउट लेकिन अब कहेंगे कि ये होता कैसे एडवांटेज अच्छा ओपनली कैसे करेंगे बाय द डिजाइन बाय द साइज बाय द एम्यूजमेंट बाय द इनोवेशन बाय द प्रोडक्ट डिजाइन बाई द प्रोडक्ट मटीरियल बाई द फंक्शनैलिटी अच्छा इन बुनियादों के ऊपर हम जब देखते हैं कम्पटिटिव एडवांटेज क्या है सो so, दो बड़ी चीजें आती हैं वन डिफ्रेंसीड इज लो कास्ट लीडरशिप तो दो चीजों पर प्ले कर रहे हैं आप अच्छा अब ये समझाने के लिए बहुत ही गौर कीजिए बल्कि आप ब्लाइंड लगा लीजिए और मुझे गौर से सुनिए लो कास्ट लीडरशिप मतलब ये डाफ्ट साहब ने टर्म दी थी लो कास्ट लीडरशिप का मतलब ये है कि आपने मैसेस को उसके कंपेटिटिव प्राइस के मुताबिक कंपटीशन में आना है अब एग्जांपल के तौर पे नाम भी ले लेते हैं एचपी ले लें डेल ले लें ले ले और इस तरह के चार पांच पाँच की रेट के ले लें तो कुछ सेम प्रोसेसिंग यूनिट्स के लोग जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम ही प्राइस के होते हैं लेकिन यहाँ पर कम्पटिशन कुछ प्राइस का है कुछ टैक्स का है कुछ प्रोसेस का है कुछ चीज़ों का है कुछ के ग्राफिक्स अच्छे होंगे किसी का कुछ होगा अच्छा लेकिन आएगा किधर लो कॉस्ट लीडरशिप में लेकिन एक जमाना था कि जब एप्पल आया था तो उसका ना सिस्टम समझ में आता था ना आया सिस्टम समझ में आता था Macintosh क्या होता है अच्छा विंडो कैसे खोलनी है आ, मुझे भी नहीं पता था और मुझे आज भी नहीं पता लेकिन अब करना इसका क्या है सो वो लेकिन उस जमाने में जब ये आता था ये डिफ्रेंसिएशन पे आता था डिफ्रेंसिएशन किसे कहते हैं अब यहां फिर दो चीजें समझाता हूं लो कॉस्ट लीडरशिप मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन Neck-to-neck -neck competition on the price, on the sales, on the outcome, on the return on investment. Market larda aapas share, stocks. Either competition is red ocean strategy we differentiation. Where there is no competition is differentiation strategy. Where there is no competition. There is a competition, there is no competition. When there is no competition, it is a differentiation. सो so, एप्पल का पहले डिफ्रेंसी नहीं था फिर डिफ्रेंसीएशन पर प्राइस मैटर नहीं करती ना लेकिन लेट मी गिव यू एन अदर एग्जाम्पल बाटा है और सर्विस uh, ले लीजिए और जूतों की ले लीजिए ये मार्केट आती है तो कंपेटिटिव प्राइस देखने पड़ते हैं इनको अगर उसने सेल्स ऑफर कर दी उसको भी सेल ऑफर करनी पड़ेगी उसे सत्तर परसेंट ऑफर करना पड़ेगा इसको भी करना पड़ेगा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा तो उसको भी करना पड़ेगा सो ये कंपटीशन में आ रहे हैं उसकी प्रोडक्शन लाइन कहाँ से आ रही है इसकी प्रोडक्शन क्या लाइन क्या आ रही है इंटरनल मैटर यह कि वो अपनी कॉस्ट कैसे कम करेंगे अपनी कॉस्ट कम कैसे करें बट कंपटीशन में बेशक मार खाएं या ना खाएं सत्तर फीसद ऑफ अगर उसने एक ने लगा दी दूसरे ने लगा नहीं लगानी है लेकिन अब पॉइंट क्या है मैंने इनकी दोनों की मार्केट या दस की मार्केट या जूते बनाने वाले सारों की मार्केट पर बात करनी है सो so, मैं क्या करूं एक तो मेरे पास पैसे नहीं दूसरा मेरे पास तकरीबन आठ सौ मिलियन की गेम भी नहीं मेरे पास पासनिटी भी नहीं मैनुफेक्चरिंग यूनिट भी नहीं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो मजदूर हैं और रंग रोगन के लोग हैं चमड़ा ले आएंगे और मैं एक जूता बना देता हूँ मैं लेदर का जूता बनाता हूँ उसके अंदर पॉइंट ये रखता हूँ कि मैं एग्जैक्ट साइज हर कस्टमर को टेलर मेड दूंगा अब मैं स्टैंडर्ड से कस्टमाइज में आ गया सो so, जब कंपटीशन होता है तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है और जब टेलर मेड में आ गया तो मैंने हायर सेटिस्फेक्शन दी हायर यानी जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और एक हजार मुझे ज्यादा दे गया मार्केट लड़ रही है दो हजार के जूते पे मैं तेरह हजार का जूता दे रहा हूं मैं बनाकर पांच हजार छह हजार पे रहा हूं तो रिटेल मार्केट में तेरह हजार का मिलेगा वही जूता और आगे चला जाएगा मैं नाम नहीं लेने लगा क्योंकि उनकी मार्केट और हो जाएगी तो उससे तकरीबन अठारह बीस लोग अब मार्केट में आ चुके हैं जो टेलर मेड है अच्छा फायदा क्या है मेरा एक पॉइंट पाऊं जो है वो नौ इशारे पांच का है एक आठ इशारे सात का है इतना डिफरेंस हर पैर में होता है और फिर अगर मैं नीचे मेडिकेटेड दे देता हूं और कहता हूं कि दो सौ सतहत्तर पॉइंट है जो कि मेडिकेटेड आपके पाऊं के तलवे के नीचे होते हैं अच्छा अंगूठे के एन नीचे आपके कुछ पॉइंट्स ऐसे है हैं जो आपके लिवर को अटैच कर रहे होंगे फिर आपकी जो शिटिका पेन कहां से निकलती है इसके अंदर एन प्रेशर ऑको पॉइंट होता है उसको अगर मैं रख दूं जिसके सत्तर हजार रुपए लेता है एक ब्रांड है मेडिकेटेड जूतों के अंदर तो वो सत्तर से नब्बे तक के मेडिकेटेड जूते अब वो जूतेचर पॉइंट जब उसको सेट करता है तो फिर क्या करता है वो आपको दे रहा है फिर इस तरीके से टू सेवेंटी सेवन पॉइंट है कोई आंख की वैन के साथ कनेक्ट है यानी इट इज लाइक इलेक्ट्रिकल आपका जो मेन स्विच बोर्ड है वो लगा हुआ है और आप अगर इसको हील करके रखते हैं और सारा दिन जूते में रहना है और आपका मेडिकेटेड भी दे दिया आपके साइज पर भी दे दिया फिक्स भी हो गया लेदर भी आपका नरम है और ये सारी चीज़ें अगर जितनी कम्फर्ट आपको पाओं को मिलेगी उतना आपका दिमाग और पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी सो ये मैंने जब कॉम्पिटिशन आपको दिया तो ये डिफ्रेंसीशन में आएगा कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा इसके लिए आप पे क्या कर रहे हैं इसके लिए आप सत्तर हजार भी पे कर सकते हैं नब्बे हजार भी पे कर सकते हैं उसकी लॉन्गेटिव अगर मैं बना दूं के बड़ा देर पर चलेगा तो छह सात साल चलने के लिए आप नब्बे हजार का जूता भी ले लेंगे सो so अब आप बाटा सर्विस और बाकी प्रोडक्ट से निकलकर आप कट थ्रूट कॉम्पिटिशन से हटके स्टैंडर्डाइज से हटके टेलर आ आगे डिफ्रेंसिएशन पे आ गए वट वी कॉल इट ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। अब होता क्या जी क्लाइंट बेटर एंड ग्रेट वैल्यू एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट और सर्विस लो प्राइस और हाई क्वालिटी इन इंटरेस्ट कंज्यूमर मिशेल मिशाल क्या कहते हैं जी डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ कंपेटेटिव एडवांटेज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव रिलेटिव टू द राइवल्स लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन ऑलरेडी नाउ इन इनपोर्ट व्यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शुड बी कंसर्न बिल्डिंग टू सस्टेनिंग कंपेटेटिव एडवांटेज सो नाउ दीज टू फोकस अब तीसरा एक एरिया जो बनता है जिसमें मैंने बात की लो कॉस्ट के ऊपर मैंने डिटेल कर दिया डिफरेंसिएशन पे मैंने क्लियर कर दिया अब फोकस डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी पे लेकर आए वो क्या होगा जी कैफोसाइज टू नीड टू बी द द बेस्ट एट थिंग टू ऑफर समथिंग यूनिक बेटर मूव वैल्यूएबल देन व्हाट द कंपटीशन प्रोवाइड्स वही एग्जांपल आप जूते की ले लीजिए आप इसको मैं बेशुमार इसको वाइडन कर सकता हूं लेकिन हर टेलर चीज के अंदर देखें तो बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर भी टेलरिज्म नहीं आएगी अब जो मैंने ये सूट पहन रखा है तो जितने तो स्टैंडर्ड सूट हैं उनके मुताबिक नहीं मेरे पूरे जिसम की एक एक स्लीव के मुताबिक जब ये सूट फिट होकर आता है तो मैक्सिमम आपको 22 टू पर मिलेगा या ट्वेंटी फोर पर आपको स्लीवस मिलेंगे या बढ़वाएंगे मेरा ट्वेंटी सिक्स पर जा रहा है क्योंकि मेरे आम नॉर्मल इसी हाइट के ऊपर मेरे हाथ कदरे लंबे हैं अच्छा जब कदरे लंबे होंगे तो ये स्टैंडर्डाइज फिटिंग नहीं आएगी सो जस्ट टू टेल यू कि मुझे सेटिस्फाई करने के लिए टेलर मेड ही आएगा मुझे उसकी प्राइस भी पे करने पड़ेगी और वो कंपनी डिफरेंसिएशन में फॉलो बाकी सब के सब बड़े बड़े ब्रांड भी आ आ जाएं जाएं या लो प्राइस, प्राइस आप को अलाइन करते हैं एग्जाम्पल आपके सामने जी। की आपके सामने फिर अगर आप देख लीजिए सेंसिटिव के अंदर हम देख लेते हैं कि स्टारबक्स की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एक जमानत से लेकर अब तक स्टारबक्स का कोई कंपटीशन नहीं है अब अगर आप देखें पेलेस शू सोर्स इसमें देख लीजिए सुपर कट वेबसाइट मार्केट ये देख लीजिए और अब आपके सामने फेडेक्स की एग्जाम्पल आती है मोटन सॉल्ट की आती है ऑफर हॉट व्हील्स कार्स की आपके पास आती है नाइकी जो है वो इथलीट वो अगर किधर आता है लेकिन आप इससे भी आगे चले गए जो अगर जो जॉगर एथलीट के किसी सर्टन स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आता है या उसको टेलर करके दिया जाएगा अब कई ऐसे ऐसे पैर हैं जिसका पता हुआ बिल्कुल उसके लिए आपके पास स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं होगा अगर वो अल्टर करके दे रहे हैं तो फिर आपके लिए वो चीज बनेंगे एडिडास ने आपके लिए बिल्कुल सुपर फिट चीजें आपको देना शुरू कर दी देन इज द वॉल्ट डिजनी उस जैसा आपके पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं है देन मूविंग ऑन टू द रेड बॉक्स रेंट डीवीडी फिर ये आ गया पापा मर्फी uh, आपके पास आ गया फिर आपके पास बिग टेस्ट के अंदर आ जाता है आपके पास चेक ड्रेव आ गया फिर आपके पास सर्कस uh, में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दीज आर द डिफरेंट फोकस ऑन द कॉस्ट लीडरशिप एग्जाम्पल सो कंपेटिटिव प्राइस के अंदर मसलन अगर आप मेक्टोनल्ड को भी लेंगे तो वो लो कॉस्ट लीडरशिप में चला जाएगा बहस का टाइम नहीं लेकिन के से लेकर बाकी जितने भी बर्गर्स होंगे वो आप कहेंगे वो तो यूनिक तो हैं यूनिक होंगे लेकिन अगर प्राइस सिमिलर जा रही है तो वो लो कॉस्ट लीडरशिप में आएगा लेकिन अगर मैं बिल्कुल ही यूनिक प्रोडक्ट दूंगा और टेलर्ड होगी देन इट कम्स इन द डिफ्रेंसिएशन वेरी थिन लाइन डिफरेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड और वी विलोमलेट इसके ऊपर मजीद पढ़िएगा लो कॉस्ट लीडरशिप डिफ्रेंसी लो कॉस्ट लीडरशिप रेडोशन स्ट्रेटेजी जो है डिफ्रेंसिएशन इज द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी और इन दोनों को जब आप समझ लेंगे तो आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा थैंक यू वेरी मच